गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है मॉर्निंग टाइम, और आज मॉर्निंग में हम लोग कुछ यहाँ पे लेके बैठे हैं। तो प्राची और मैं दोनों हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है? तो टाइटल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि क्या दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ हमारे सामान है, दुर्गा पूजा स्पेशल, और साथ में हम लोग जो गिफ्ट करने वाले हैं वो भी सामान है यहाँ पे। और प्राची को भी ये सब चाहिए, देखिए। तो यहाँ पे सामान सब है, तो गिफ्टेड है। तो फर्स्ट वन, तो गिफ्टेड जो सामान है वो सब पहले मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये सब दुर्गा पूजा के लिए हमने खरीदा है, दुर्गा पूजा में हम लोग सबको देने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइस। और सो मेरे चैनल में अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। सो चलिए वीडियो में फर्स्ट कपड़ा जो है ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे है ये एक टी शर्ट, और ये जीन्स का एक हाफ पैंट है ऐसा, ये वाला एक, और इसके साथ है मैचिंग यहाँ पे ये स्पॉट टी शर्ट। सो टी शर्ट और पैंट, यहाँ पे जीन्स का पैंट एकदम हल्का है, पहनने में अच्छा होगा, गर्मी के दिन में पहन सकेंगे, और या पूजा के लिए भी हो सकेगा, या सोच लीजिए अष्टमी में हम लोग जब बाटा देने के लिए जाते हैं तब भी पहन सकेगा। तो ये जो कपड़ा लिया है ना, ये है मेरे ननंद है, ननंद की जो बेटा है, तो आप लोग ने देखा होगा अंकुश, तो प्राची का भी भैया है वो, तो राखी ने देखा है, बर्थडे में भी देखा है, तो बहुत बार देखा है आप लोग ने उस प्यार से छोटा बेबी को, बच्चा को। तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस लिया है, मतलब हमने तो उसे दुर्गा पूजा में ये वाला गिफ्ट करेंगे। तो प्राची को यहाँ पे वो कपड़ा मैंने थोड़ी देर के लिए दे दिया, नहीं तो बहुत हल्ला करेगी। और यहाँ पे है और कुछ सामान, तो पहले मैं दिखा देती हूँ। ये है एक शर्ट, ये वाला, तो ये शर्ट जो है, तो ये शर्ट है मेरे फादर इन लॉ के लिए, तो ये जाएगा इन लॉस के घर। तो ये शर्ट हाफ स्लीव है यहाँ पे, तो इस बार हमने सबके लिए हाफ ही खरीदा है। तो ये वाला, तो ये वाला कलर है ब्लू कलर, वह चेक चेक है, तो ये वाला जाएगा फादर इन लॉ के लिए। सो अभी नेक्स्ट वन है ये वाला, एक साड़ी है थोड़ा, ये कॉटन एंड सिल्क का साड़ी है ये। सो ये है एक प्यारा सा ब्लू एंड पिंक पे साड़ी, सो ऐसा है, फुल बॉर्डर है, और ऐसा ही है सारे पूरे, मतलब बॉर्डर पे और वो है। सो यहाँ पे है ऐसा डिजाइन, और ये ब्लू है और ये पिंक है, ब्लाउज पीस भी है इसके अंदर। सो मैंने सिलवा के नहीं दिया, ब्लाउज पीस है सिंपल ऐसा, सिर्फ बॉर्डर आएगा ऐसे, तो सिंपल पिंक कलर का ब्लाउज पीस है। और तो हम लोग सिलवा के नहीं दे रहे, तो वो लोग अगर चाहे तो खुद ही सिलवा लेंगे, नहीं तो ऐसे आजकल बहुत मैचिंग ब्लाउज मिलता है, तो सिंपल सा ऐसे भी इतना डिजाइन वाला नहीं पहनते हैं मदर इन लॉ, सो उनके लिए ये अच्छा होगा। तो मैंने सेम साड़ी ही दो ले लिया है, मतलब मेरे मम्मी के लिए भी और हस्बैंड का मम्मी के लिए भी, तो दोनों ही सेम है, जिस कलर ही दोनों का अलग होगा। सो ये पिंक और ब्लू में है, नेवी ब्लू, तो ये बहुत प्यारा सा कलर है ये भी है। तो ये जाएगा उन लोगों के घर। और यहाँ पे है और एक बात है, तो ये वाला है साड़ी मेरी मदर के लिए, तो मम्मी के घर ये जाएगा। तो ये है रेड और नेवी ब्लू, तो वो पिंक और नेवी ब्लू, ये रेड और नेवी ब्लू, तो दोनों कलर ही, सिर्फ डिज़ाइन भी एक ही है, जस्ट कलर दोनों का थोड़ा सा अलग है, रेड की जगह पिंक है, वही है डिफरेंस, और कोई बात नहीं। और इसमें का ब्लाउज पीस ये है नेवी ब्लू, और ये फुल ऐसा ही है, और पारी ऐसा है, उस साड़ी का भी पारी है इसी कलर में ऐसा ही है, सेम है। ये सब जाएगा हमारे गिफ्ट के लिए, तो हमने ऐसा साड़ी है, सो ये सब जाएगा गिफ्ट में दोनों घर में। तो हमने जस्ट थोड़ा थोड़ा सा सामान सबके लिए एक एक कुछ ले लिया है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ऐसे भी दुर्गा पूजा तो ऐसे होगा भी नहीं, तो सबके लिए जस्ट हमने एक एक गिफ्ट के लिए लिया है। और यहाँ पे है, मेरे घर में जाएगा ये, पापा के लिए है, तो ये है
शर्ट, ये भी हाफ स्लीव है, तो एक ही साथ सब कुछ लिया है। ये नेवी ब्लू प्रिंटेड है ऐसा, तो ये भी अच्छा है। सो ये पापा के लिए, मैं थोड़ा सा फटाफट ही दिखा रही हूँ सो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। तो हो गया दोनों घर के लिए, और अभी बाकी है मेरे हम लोग का सामान, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। अभी है यहाँ पे एक जूता, तो ये है देवर के लिए, तो मेरा हस्बैंड का जो भाई है ना उसको ये वाला जूता उसके लिए लिया है, तो हमने सोचा कि उसे जूता एक दे देते हैं उसके, मतलब वो काम करने के लिए जाता है तो वहाँ भी, या घूमने जाता है वहाँ भी मिलेगा, पहन सकेगा। सो ऐसा है जूता। और ये क्या ब्रांड है, ये स्क्रू स्ट्रीट कुछ ऐसा ब्रांड है। सो अच्छा जूता है बहुत ही, सो अच्छा लास्टिंग भी करेगा, बहुत अच्छा कलर भी इसका अच्छा है। सो ये वाला जूता लिया है देवर के लिए। सो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सा सामान लिया है गिफ्टेड के लिए, मतलब गिफ्ट करने के लिए, जिससे कि कैसे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जी उनके लिए लिया है, मेरे लिए लिया है और प्राची के लिए, और साथ में लिया है मेरे ननन का जो बेटा है उसके लिए। तो ननन को कुछ नहीं दे रही हूँ, जिस बेटा को ही दे रही हूँ, और मदर इन लॉ और देवर जी, और इधर में है मम्मी और मेरे, मतलब मेरा मम्मी और मेरा पापा। तो इतना ही है, जस्ट इतना ही सामान हम लोग ले रहे हैं गिफ्टेड के लिए, मतलब गिफ्ट करने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए गिफ्ट करने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं। और अभी चलिए, बहुत बक बक कर लिया, प्राची का सामान दिखा देते हैं। तो प्राची के लिए भी मैंने जस्ट एक ही फ्रॉक लिया है, इसका ट्रेलर शायद आपने वीडियो में एक बार देखा होगा। तो ये वाला आप लोगों को कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा वाला फ्रॉक है और बहुत हल्का है, तो ये वाला फ्रॉक प्राची के लिए है। सो ये है प्राची के लिए, इतना प्यारा है कि मुझे ही पहनने का मन कर रहा है। सो ये प्राची का ड्रेस हो गया, मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे है हस्बैंड जी के लिए, ये है हस्बैंड जी का, ये थोड़ा सा खुला हुआ है, मैंने खोल लिया था, तो ऐसा कलर है, थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेटी कलर। सो ये कलर का उनका पास शर्ट नहीं था तो उन्होंने भी ये लिया, उनका भी हाफ है, प्यारा सा कलर है। सो ये उनके लिए, और मेरे लिए है यहाँ पे ये वाला। तो ये है प्लाजो कुर्ती, जो सेट मिलता है ना, तो ये वाला सेट है, ये कुछ इस तरह का होगा। मैं कुछ अभी पहन के नहीं दिखाऊंगी, सब कुछ आपको अगर पूजा में हम लोग गए तो, या कभी मैं फिर पहन के दिखाऊंगी, जैसे अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ नॉर्मली, कि गिफ्ट का सामान ये है और हमारे लिए ये लिया है दुर्गा पूजा के लिए। पूजा हो या ना हो कुछ तो लेना पड़ता है, तो हमने जस्ट लिया है नियम अनुसार। सो यही है, और ज़्यादा लेते अगर पूजा होता या हम लोग घूमने जाते, क्योंकि इतना कम सामान हम लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि दुर्गा पूजा में ही हम लोग कपड़ा वगैरह ज़्यादा करके लेते हैं, क्योंकि तीन चार दिन हम लोग घूमने जाते ना, तो मैं तो हर रोज़ नया नया पहनने को, मुझे वो बहुत पसंद है एक ही कपड़ा पहन के जाने में मुझे इतना। और ये देखिए प्राची खाए क्या हुआ, दुर्गा पूजा में हम लोग ना ज्यादा करके कपड़ा लेते हैं, या इसी पर हमारा थोड़ा क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, मुझे बात करने नहीं मिलेगा इस बार इतना ही सा। तो ये है कुर्ती ऊपर का, सो ये ऊपर का पहनने के लिए ऐसा, और ये नीचे का प्लाजो। सो ये है पैंट, मतलब प्लाजो,
अच्छा लंबा भी है और ये इसका ऊपर का, और इसके साथ मैचिंग मैंने इयररिंग्स लिया है, और इसके साथ मैचिंग में शायद पिंक कलर का दुपट्टा करूँगी। तो ये पिंक कलर का दुपट्टा ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने इसलिए चूज़ किया, और ये वाला कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसीलिए इस कलर को चूज़ किया, और ये कलर अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर तो इसीलिए मैंने इस कलर का ले लिया है। और पिंक कलर का दुपट्टा है तो मैं मैचिंग कर सकूँगी, और इसके साथ मैंने एक मैचिंग इयररिंग्स लिया है। तो इयररिंग्स जो है वो तो पहले ले लिया था, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देन ये है देखिए मैचिंग इयररिंग्स, तो इसके साथ ये इयररिंग्स पूरा पूरा मैचिंग है, अच्छा लगेगा इसके साथ मैचिंग करके पहनने से। कहीं पूजा हो गया तो हम निकले जाएंगे तो ये पहनेंगे, अब नहीं हुआ घर में ही पहन के रेडी हो जाऊंगी, होना तो पड़ेगा। और एक ड्रेस लिया है मैंने, तो यहाँ का कुछ सामान ऑनलाइन का है और कुछ सामान हमने, ज़्यादातर सामान ऑनलाइन का नहीं है, जस्ट एक या दो ऐसा कुछ ऑनलाइन का होगा, बाकी सब कुछ सामान जो है ना वो मैं नहीं करते। तो बाकी सब कुछ सामान हमने मार्केट से लिया है, लोकल मार्केट से, कुछ विशाल से लिया है, कुछ हमने गणेशपुरी से लिया है, तो ऐसा ही कुछ है, तो ऐसा ही इतने सामान से। और ये एक ड्रेस है, ये एक लॉन्ग फ्रॉक है, तो ये मुझे देखते ही पसंद आ गया, गणेशपुरी से लिया था। वहाँ पे बहुत सारा कपड़े का दुकान है जो ऊपर में सीढ़ी से उठ के जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये अच्छा लगा मुझे ये देख के, तो ऐसा फ्रॉक मेरे पास, फ्रॉक मुझे पहनना बहुत पसंद है तो ये फ्रॉक मैंने लिया है। ये आप देख सकते हैं लेंथ इसका, सामने से यहाँ हाफ कट है और फुल यहाँ पे, ये हील्स के साथ पहनने में बहुत प्यारा लगेगा। लॉन्ग फ्रॉक है, बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर कहीं जाऊँ तो ये पहनूंगी, तो आप लोग को ये दिखा सकती हूँ। सो बहुत प्यारा सा यहाँ पे बॉडी कलर और वाइट कलर का ये कॉम्बिनेशन है। सो इतना सा हमारा शॉपिंग हुआ है दुर्गा पूजा के लिए, और आज मैंने यहाँ पे एक जीन्स और टॉप पहना है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं इसीलिए रेडी होके, क्योंकि ये वीडियो शूट कर लिया है, बस मैंने वीडियो को शूट किया और सोच रही हूँ अभी जाऊँगी। तो देख लिया हमारा यहाँ इतना ही सा दुर्गा पूजा स्पेशल कपड़ा है, दुर्गा पूजा के लिए हमने बस इतना ही सा लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि बहुत सारा कपड़ा लेके हम लोग ऐसे भी घूमने जाने का नहीं है, तो ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से मुझे मैंने दो पसंद कर लिया तो मैंने दो ले लिया, हस्बैंड जी ने अभी तक तो एक ही शर्ट लिया है, और ये वाला फ्रॉक हमने जस्ट दो दिन पहले लाया है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये दो दिन पहले लाया है, ये तो ऑनलाइन का है, जूता भी ऑनलाइन का है, तो ये शर्ट ऐसे लाया है, ये भी है। सो इतना सा सामान और बाकी गिफ्ट सामान, तो हमारे लिए इतना सा और बाकी सब गिफ्ट का है, और इयररिंग्स कितना प्यारा लग रहा है। का सामान तो दोनों घर में हम लोग देंगे, तो ननद के घर में जाके उसको देना पड़ेगा, मतलब उन लोग का बाबू को। सो आ गई हूँ मैं थोड़ा सा सामने से, क्योंकि ड्रेस सब दिखा दिया। तो इतना ही है हमारा इस बार का दुर्गा पूजा का शॉपिंग, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है हमारे लिए, इस बार बहुत ही कम शॉपिंग हुआ है। और प्राची के लिए देखिए बर्थडे में बहुत सारा नया कपड़ा उसको मिला है, जाना वो मुझे देख रही है, सो बहुत सारा नया कि तो बहुत सारा नया कपड़ा उसे मिला है, जाना बहुत सारा हम लोग भी अभी खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, बर्थडे में भी हमने ख़रीदा है, क्या हुआ ना बहुत सारा उसका कपड़ा बहुत छोटा होते जा रहा है, तो वो तो बड़ी होती जाएगी और कपड़ा छोटा होते जाएगा, तो इतना सारा कपड़ा हम लोग उसके लिए इसीलिए नहीं ले रहे हैं। इस बार जस्ट उसके लिए जस्ट एक ही फ्रॉक लिया है, बाद में कुछ अच्छा लग जाएगा तो ले लेंगे, अभी तो जस्ट एक ही फ्रॉक लिया है, और ये फ्रॉक बहुत ही प्यारा है और सॉफ्ट है। हमने ना कपड़ा हमारा जितना कपड़ा है, मतलब हम लोग जो पहनने वाले हैं, ये सब वॉश करके तो ये सब एकदम साथ ले लिया है, बाकी जो उन लोगों का लिए मतलब जो गिफ्टेड है वो सब जस्ट अभी तक हमने वॉश नहीं किया, सैनिटाइज करके हमने उसे यूज़ किया है, मतलब मैंने रखा है पैकेट में, तो जस्ट सबके घर में पार्सल करना है, तो मेरे घर में जाना है उनको देना है, तो ननंद के घर जाके उसको भी देना है, उसके बेटे के लिए, देवर के लिए भी है, और हस्बैंड जी का पापा और मम्मी के लिए, उनके लिए भी है, तो उनको भी देना है।
जैसे इतना सा गिफ्ट का सामान हम लोग सबको दे दे, और हमारा गिफ्ट का सामान तो वॉश किया हुआ है देन, क्योंकि गिफ्ट का सामान ना वॉश करके देने से वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गिफ्ट का सामान अगर वॉश करके दूँ तो, दे देंगे वो लोग खुद ही वॉश करके पहन लेंगे देन, यही बात है। तो चलिए आज का ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि शॉपिंग हमने क्या क्या किया है। आप लोग पूछोगे कि क्या किया है शॉपिंग और क्या लिया है, देन उससे अच्छा कि मैं दिखा दूँ कि इतना सा सामान लिया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है, पूजा हो या ना हो हमने जस्ट इतना सा सामान लिया है और ज़्यादा कुछ मैंने शूट भी नहीं किया था। और ये फ्रॉक जैसा मैंने 2 दिन पहले लाया था और मैंने शूट नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, हम लोग कुछ काम के लिए गए थे तो मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया। ऑल्दो मुझे लेने का कोई मतलब आइडिया नहीं था कि इस बार ये भी लेंगे, जस्ट यही कपड़ा लिया था पर वो ले लिया, अच्छा लग गया तो ले लिया, बस यही है। और तो जो ऑनलाइन का सामान है वो सब भी आ गया था, और जितना भी खरीदने का था वो भी हमने खरीद के लाया था। और तो अभी हम लोग को कहीं जाने का नहीं है और कुछ भी लाने का नहीं है, जस्ट सामान सब सबको देना है गिफ्ट का, और हमारा पूजा का शॉपिंग इतना ऐसा है। तो गाइस आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ये बात मैं हर रोज़ बोलती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा शॉपिंग इतना ही का है, तो शॉपिंग हॉल फिनिश, और मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।